झांसी में मारपीट दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। सुल यादव और उसमें बीरेंद्र साहू जो हमारे भाई हैं। हाँ। युवक का आरोप है कि अतुल यादव और मेरे बड़े भाई वीरेंद्र साहू ने बलिदान पार्क के पास मेरे साथ मारपीट की। मारपीट यहीं पे हुई है, ये पेड़ के नीचे। अतुल यादव फोन करके बुलाया उन्होंने, आ जाओ अपने पैसा ले जाओ, कुछ पैसे लेने। रुपयों को लेकर हुई थी मारपीट। चमनगंज चौकी में दर्ज हुआ मामला। नहीं थे, हमने पहले नहीं बुलाया, 3 महीने बाद वो चले गए थे। इस बात के पैसे डले थे बल्ब LED लाइट के बल्ब पैसे डले थे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। हम झांसी शहर की बात करें तो झांसी शहर में आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण झांसी का कोतवाली क्षेत्र है, जहां का जो वीडियो सामने आया था, पूरी घटना CCTV में कैद हुई थी कि कोतवाली के बगल में ही एक चाय वाले को मारा पीटा जा रहा था। ऐसी तमाम घटनाएँ सामने आई, उसी में एक नई घटना सामने आई है चमनगंज चौकी के पास की। पीड़ित पक्ष हमारे साथ खड़ा है और इनका भी आरोप है कि किन्हीं दो चार लोगों ने, जो कि ये नाम बताएंगे वो कौन लोग हैं, उन लोगों ने इनको पीटा है। कारण क्या रहे, चौकी में इन्होंने शिकायत की, चौकी वालों का क्या कहना है। हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है मारपीट को लेके। नाम क्या है आपका? हमारा नाम ब्रजेश साहू है। अतुल यादव ने पैसे के बहाने से हमें बुलाया और उनके पहले हमें ये बताओ आपका नाम ब्रजेश साहू है, काम क्या करते हैं? काम हम स्टेशन पे करते हैं। काम स्टेशन पे क्या बेचते हैं? लाइट आइट वगैरह बेचते हैं। झगड़ा किससे हुआ? अतुल साहब, अतुल यादव और उसमें बीरेंद्र साहू जो हमारे भाई हैं। जो आपके भाई हैं? हाँ। किस बात को लेके? काम को लेके हुआ कि यहाँ ये आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब आपको रोका गया कि आप स्टेशन पे लाइट आइट ना बेचे, इस मामले में ना बेचे। मारपीट कहाँ हुई? मारपीट यहीं पे हुई है, ये पेड़ के नीचे। अतुल यादव फोन करके बुलाया उन्होंने, आ जाओ अपने पैसा ले जाओ, कुछ पैसे लेने थे। हमने पहले नहीं बुलाया, 3 महीने बाद वो चले गए थे। इस बात के पैसे डले थे आप? बल्ब LED लाइट के बल्ब पैसे डले थे हमारे पास। तो अचानक उनने बुलाया हमें, आ जाओ पैसा ले जाओ, तो पैसे भी नहीं दिए और मारा अलग है। चार पाँच लोग उनमें से थे मिले थे उसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम खड़े हैं बलिदान पार्क के पास, और ये जो लोकेशन बता रहे हैं बलिदान पार्क के पास में, इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पास में ही इनको पीटा गया है। और जिन्होंने नाम बता रहे हैं, एक अतुल यादव और दूसरा बीरेंद्र साहू ने आपको मारा है। हाँ, जो हमारे भाई हैं वो सगे जी। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराई? हमने 3 दिन बाद चौकी में बड़ी मुश्किल से वो हुई है, थाने में हुई है। इसके बाद पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई पता नहीं चल रहा है। 7 तारीख घटना है। FIR दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज हो चुकी है। आपका कागज है FIR वाला? हाँ, ये जांच रिपोर्ट है, ये हमारी मेडिकल है, ये मेडिकल रिपोर्ट है हमारी, ये वाली। हाँ अच्छा, चोट की यहाँ इंजरी बताई गई इसमें से आपको, और कोई दूसरे एविडेंस? दूसरे ये अनुज को भी दम दिए है। कौन अनुज? ये क्या आप क्या करते हैं? अनुज को भी दम दिए, घड़ी लगाते हैं गाड़ी में, इन्हीं के साथ रहते हैं, ये हमारे बुआ के लड़के हैं। आप क्या करते हैं? घड़ी बेचते हैं? हाँ, गाड़ियों में घड़ी बेचते हैं। आपसे किस बात का विवाद? हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ में खड़े हैं, इसलिए हमको मारने की धमकी दी जा रही है कि आप जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। आपको भी मारने की धमकी? हाँ। आपने इसकी शिकायत जाकर? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। हाँ, अभी हम इन्हीं के साथ लगे हैं, इसलिए हमको धमकी आ रही हैं। हाँ, तो इनका भी कहना है कि इनको धमकियाँ मिल रही हैं। हालांकि मामला जो है चमनगंज चौकी में पंजीकृत हो गया है, बस बात इतनी सी है कि आज 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन के बाद गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। अब कहानी क्या निकल के सामने आ रही है, मामला रुपयों को लेके देके था, उसी बात पे लड़ाई हुई है। आपको तो पीटा थाने वालों ने कहा? हाँ। चौकी वालों ने? चौकी वालों ने अभी तो कुछ नहीं कहा, कोई पता नहीं हमें चौकी वालों। आप गए उसके बाद? गए थे हम, मतलब FIR करा के बस आ गए, फिर दोबारा नहीं गए हम। पूछा नहीं आपने क्या हुआ, कितनी कार्रवाई? नहीं, हम गए ही नहीं वहाँ पे, पूछा ही नहीं है। नहीं बुलाया, बुलाया नहीं। दोबारा धमकियाँ मिली? दोबारा मिली हैं धमकियाँ, कुछ लोगों के जरिए हमें धमकियाँ मिली हैं। यहाँ वहाँ सुनने को मिला है कि अनुज को भी बताएंगे, हमें भी बताएंगे। बोले अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ, जैसा ब्रजेश का हुआ वैसा ही अनुज का हाल होगा,
तो हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, दोनों लोगों से, अतुल यादव और बीरेन साहू से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि खुद का भाई भी उस पूरे मामले में शामिल है और ये कितने गंभीर सवाल लगा रहे हैं खुद के ही भाई पे कि भाई ने और जो अतुल यादव जो नाम बता रहे हैं इन दोनों ने मिलकर मारा है और इसकी इनके पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें चोटों के भी निशान हैं। ठीक है, अब पुलिस इस पर कितना कार्रवाई करती है, हालांकि ये मामला तो कोर्ट में पहुँच गया है, अब तो आप कोर्ट में ही पहुँचेंगे ना सीधे? जी कोर्ट में पहुँचेंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा कुछ। पुलिस से न्याय चाहते हैं हम और न्याय मिल जाए हमको। तो आप जाके कोर्ट उनसे मिलें, पुलिस से मिलें आप जाके, क्या पता वो लोग अंदर हों, पकड़ लिया हो, आपने जानकारी की इसकी? अभी अंदर नहीं है वो, इतना हमें पता है अंदर नहीं है वो अभी। अच्छा हाँ, साहू जी का कहना है कि भाई हमें न्याय चाहिए और दो लोगों को पे इन लोगों ने इन्हें गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये बात आरोपी की बात तो ये सिद्ध भी होता है क्योंकि आप झांसी शहर में देख रहे हैं आए दिन घटनाएं किस प्रकार घट रही हैं और पुलिस प्रशासन किस प्रकार मैनेज कर रहा है ये भी आप सब देख ही रहे होंगे, क्योंकि कई मामलों में महीनों महीनों गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं, महीनों महीनों चोरियाँ हो रही हैं, महीने मतलब चोरियों को महीने भर हो जा रहा है तब भी गिरफ्तारियाँ नहीं हो पा रही हैं, चोरों को पुलिस नहीं खोज पा रही है और ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार कोई आरोप नहीं लग रहे हैं। और ये जानकारी अगर अधिकारियों तक पहुंचती है तो भाई इनकी ये बात सुनी जाए और जो भी मामले में निष्पक्ष जांच हो जिससे इन्हें संतुष्टि हो और सामने वाले पे कार्रवाई हो, अगर ये भी गलत हैं तो इन पे भी कार्रवाई हो, ये गुजारिश करते हैं झांसी पुलिस प्रशासन से और ये चर्चा में ही रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद।